बॉलीवुड वर्सेस साउथ। देखो भाई, अब तुमने ऐसे बंदों को जरूर देखा होगा जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ क्रिंज मूवी बनाता है और साउथ बहुत अच्छी मूवी। पर भाई, जब बॉलीवुड साउथ जैसी मूवी बनाता है तो यही लोग उस पर्टिकुलर मूवी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि अबे ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड इनसे ना हो पाएगा। तो भाई, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए एक जवाब है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम ऑडियंस हैं और हमें सबको इक्वली मौका देना चाहिए, चाहे वो साउथ की मूवी हो या बॉलीवुड की मूवी हो। अब एसआरके की एक मूवी आ रही है जिसका नाम जवान है, पर इस मूवी को जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना हेट भी मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है और ना ही मुझे ये पता है कि लोग इस टीजर को इतना हेट क्यों दे रहे हैं, पर मुझे तो टीजर में कुछ ऐसा दिखा नहीं जो हेट देने वाला हो। जवान बॉलीवुड की ऐसी मूवी है जिसका नाम तो जवान है पर पसंद बूढ़ों को भी आएगी। टीजर का एक सीन है जिसमें एसआरके कहते हैं, जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो नहीं सकता। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो एसआरके के सर पे शायद ओम नमः शिवाय या माँ से रिलेटेड कुछ चीजें लिखा है, और इसका मतलब तुम तो जानते ही होगे कि ये मूवी किस तरह से अपने कल्चर से कनेक्टेड होने वाली है। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक टिपिकल साउथ की मूवी है, तो मैं इन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि भाई, ये चीज आपको केजीएफ और पुष्पा के टाइम भी बोलना चाहिए था, क्योंकि ये जो आप एक टिपिकल साउथ मूवी की बात कर रहे हैं ना, उसके कई सारे एलिमेंट्स केजीएफ और पुष्पा में भी थे। मतलब भाई, मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिनका कुत्ता टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है। जवान की 5% चीजें क्रिंज लगती है मैंने माना, और उसकी 95% चीजें बेस्ट है, एक बार तुम भी देख लो। ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूँ। रेडी? देखो भाई, इस टीजर में बहुत कुछ छिपाया गया है। कहने को तो ये टीजर 2 मिनट से ऊपर का था, पर स्टोरी का कुछ खास अंदाजा नहीं लग रहा था कि स्टोरी कैसी होने वाली है, और शायद इसी को एक अच्छा टीजर या प्रीव्यू कहते हैं। विजय सेतुपति का कैरेक्टर लगभग ना के बराबर दिखाया गया है, मतलब वो मूवी में क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं बताया गया है। और ना ही हमें ये बताया गया है कि एसआरके विलन है या हीरो। पर मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई, चाहे तू कुछ भी बोल, ये टीजर टट्टी है तो टट्टी है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अभी अशरफ अली के चिल्लर फैन, तुहार पुष्पा जिंदाबाद था, इससे हमका कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जवान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मतलब भाई, अगर तुम इनको सोने का लोटिया दे दो ना, तब ये उसे पिछवाड़ा ही धोएंगे। मेरे हिसाब से ये मूवी बवाल काटने वाली है, क्योंकि ये टीजर का सीन कुछ वैसा ही है। जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। अभी सीन की 2 खास बात है। पहला, एसआरके के सर पे ये जो भी लिखा है वो क्यों लिखा है, मुझे तो सिर्फ यही जानना है, बिकॉज मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है जो हिंदुइज्म से कनेक्टेड होती है, और ये जो भी लिखा है मूवी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा इसका। एंड दूसरा, क्या एसआरके इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं? तो भाई, इस सीन को देख के तो ऐसा 100% लग रहा है कि एसआरके विलन का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और एसआरके के फैंस पता नहीं कितने सालों से एसआरके से ये चीज मांग रहे थे। और मुझे भी एसआरके को एज ए विलन देखना बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बंदा उस कैरेक्टर में जान डाल देता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीजर के इस शॉट को अपरिचित का कॉपी बता रहे हैं और मूवी को फर्जी में गाली भी दे रहे हैं। अबे भाई, हर सिमिलर चीज दिखती हुई चीज कॉपी नहीं होती, ये बात कान में डाल लो तुम। मतलब मूवी का कॉन्टेस्ट तो समझो, हो सकता है इस कैरेक्टर का अपरिचित से कुछ लेना देना हो। और वैसे भी ये मूवी बॉलीवुड की नहीं बल्कि साउथ की लगती है, तो कुछ भी हो सकता है, हु नोज। और हाँ, टीजर का सबसे अच्छा पार्ट पता है मुझे क्या लगा? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट। देखो भाई, सबसे पहले मुझे मम्मी वाला सीन बहुत कूल लगा था, और उसके बाद मैंने जो ये एसआरके का डांस दिखाया वो मुझे बहुत खतरनाक लगा, बिकॉज इस डांस में स्वीटनेस कहीं भी नहीं है। अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ इविलनेस दिख रहा है, जैसे कि ये मेट्रो में बैठे लोग एसआरके से ऐसे डर रहे हैं कि जैसे उनका पाला किसी साइको से पड़ा है। मुझे तो लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही बैड एस होने वाला है। पर अब कुछ लोग कहेंगे, अबे ओए लोडू लली, तू ये बता कि तूने कितना पैसा खाया है बे। तो भाई, कुल मिला के 5×5 25,000। अबे भाई, मेरे चैनल का हालत देखो, सब्सक्राइबर्स देखो, मेरी शक्ल देखो और मेरी गरीबी देखो, तुम्हें लगता है मेरे को कोई पैसा देगा क्या? अब ज्यादा हंसो मत, और हंसी आ भी रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं भी कुछ पैसा ले सकूं कुछ बोलने के लिए। तो गाइस, यही तक था जो था, मेरा काम तो था समझाना, जो कि मैंने तुम्हें समझा दिया है। बाकी आज की ये वीडियो हम यही रैप अप करते हैं, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ही बताना कि तुम्हें ये प्रीव्यू कैसा लगा और क्या मैं कहीं पे गलत था। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो मजदूरी में। तो हां, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग।